So, welcome friends to our uh, fifth unit of the estimating and costing that is regarding the rate analysis. A very, very again important part of the estimate work, of the tender work, of the contract work. Okay. So, rate analysis is very important. Why it is important? We will see one by one okay this is one of the component of the estimate okay this is one of the you can say part just like our body has got different parts or different components we have brain we have head we have eyes nose teeth face so hands so these are the different parts इन द सेम वे एंड विच एवरी पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे रेट एनालिसिस इंट्रोडक्शन परिंसिपल ऑफ द सी एस आर ओके बिट थोड़ा सा हमने इसके पहले सी एस आर के बारे में समझ लिया है Current schedule of rates. Okay. Purpose and principles of the CSR. Factors affecting analysis of rates. Labor guidelines for, from the National Building Organization or National Building Code bhi bolte hai usko. but the market rates of materials and labor, rate analysis of certain major items of work. Hai. Thikai, up till now, you all must have got.

गवर्नमेंट का ऑफिस रहता है पीडब्ल्यू है इरिगेशन है वाटर सप्लाई है वहां पे जाइए अपनी पहचान दीजिए मेरी पहचान दीजिए और उनको बोलिए सर कृपा करके आप एक आधा एस्टिमेट हमें बताइए या कॉलेज में कहीं पुराना एस्टिमेट होगा तो उसको देखिए सो दैट एस्टिमेट डिटेल एस्टिमेट ऑफ एनी वर्क कंसिस्ट ऑफ फर्स्ट इज द एस्ट्रेक्ट सेकंड इज द मेजरमेंट और क्वांटिटी कैलकुलेशन then third one is the specification and the fourth one and very important is the rate analysis estimate period drawings everything is are but these are the four parts okay and earlier we have seen that any construction work consists of the various items of work ठीक है हमने वो भी देखा था कि सभी हमारे जो बिल्डिंग वर्क है कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क है बिल्डिंग है रनवे है रोड है ब्रिज है कैनाल है डैम है सो दे कंसिस्ट ऑफ वेरियस आइटम्स ऑफ वर्क आई गिवन यू द सिमिलर एग्जांपल क्यू कोई भी हम सब्जी बनाते हैं तो पूरी सब्जी तो हमें आखिरी में मिलती है बिल्डिंग जैसी लेकिन दैट सब्जी और दैट वेजिटेबल

ना मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक के तो चार यूनिट में हम गए तो आपको तो जरूर ध्यान में आया होगा सो देर फॉर द रेट एनालिसिस इज नथिंग बट द फाइंडिंग द रेट्स ऑफ द वेरियस आइटम्स ऑफ वर्क सो देर फॉर दे हैव इंक्लूडेड इट पर्पज एंड प्रिंसिपल्स ऑफ द सी एस आर फैक्टर अफेक्टिंग लेबर गाइडलाइंस मार्केट रेट्स रेट एनालिसिस ऑफ द मेजर आइटम्स ऑफ वर्क

नहीं तो फिर कहीं तो भी हम बैठते हैं बहुत खुशी की बात है मुझे कि बहुत सारे स्टूडेंट कहीं खेती में काम करते हैं कहीं दुकान में काम करते हैं एंड दे अटेंड द क्लास बाय मोबाइल दैट वेरी गुड थिंग बट कॉन्सेंट्रेट सो रेट एनालिसिस इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ वर्किंग आउट द करेक्ट एंड रिजनेबल रेट ओके वेरी इंपॉर्टेंट लिसन टू ईच एंड एवरी वर्ड

विद वर्क एंड यू मस्ट बी डूंगल वर्क इन यूर एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग प्रैक्टिकल तो हर आइटम ऑफ वर्क जो हम एग्जीक्यूट करते हैं बिल्डिंग या किसी काम के लिए जैसे खोदाई है कॉन्क्रीट का फाउंडेशन है बैक फिलिंग है और जुड़ाई है तो हर के लिए हर आइटम ऑफ वर्क के लिए उसका रेट क्या रहेगा पर, पर यूनिट याने जैसे समझो पर यूनिट पर यूनिट क्यूबिक मीटर में है तो पर क्यूबिक मीटर मीटर स्क्वायर में है तो पर मीटर स्क्वायर बार एसमेंट है तो क्विंटल में है या मेट्रिक टन में है तो पे पर पर कलर है व्हाइट वॉश है तो पर so, work, ना जैसे दस रुपए में दस पेन आएंगे ऐसा एक सिंपल एग्जाम्पल समझते है इफ वी हैव

सो so, फिफ्टीन रुपीज पर लीटर और पर लीटर यानी वॉल्यूमेट्रिक है तो वो ये वो यदि हम चाहे तो उसको क्यूबिक मीटर भी, भी कन्वर्ट कर सकते हैं सो रेट पर यूनिट ऑफ एन आइटम ऑफ वर्क ये रेट कैसा रहना चाहिए ये करेक्ट रहना चाहिए ये कैलकुलेट करते वक्त कोई गलती ना हो और रीजनेबल रहना चाहिए रीजनेबल यानी क्या कि वो दैट रेट शुड बी वर्केबल और शुड बी एज पर मटेरियल्स एंड लेबर रेट्स इन द मार्केट है ना नहीं तो आप कुछ भी रेट एनालिसिस निकालेंगे की पांच रुपए पर क्यूबिक मीटर ऑफ द कांक्रीट सो इट इज नॉट पॉसिबल फाइव रुपीज पर क्यूबिक मीटर ऑफ द कांक्रीट है ना यदि किसी ने बोला की दस रुपए में दस पेन होते हैं तो आप बोलेंगे कि एक रुपए का एक पेन देने की बजाय दस पैसे में एक पेन दीजिए सो दिस इज नॉट ए रीजनेबल

मैसन है कोई लगता है तो लेबर लगता है कोई स्किल्ड लेबर है अनस्किल्ड लेबर है नेक्स्ट इज 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 वेरी इंपॉर्टेंट वी हैव इन अर्लियर यूनिट द द ऑफ इंपॉर्टेंसिफिकेशन है ना किस क्वालिटी का बांध काम हो वह स्पेसिफिकेशन के हिसाब से रेट रहेगा है ना आप एखादा फ्लोरिंग करते हैं वो मार्बल का फ्लोरिंग है तो उसका रेट नेचुरली ज्यादा रहेगा वो यदि जी सादा मोजाइक टाइल का फ्लोर है तो वो सस्ता रहेगा उससे और कंक्रीट का फ्लोरिंग है तो वो और सस्ता रहेगा या शाहबाद टाइल जिसको बोलते हैं सादी फर्शी अपनी तो वो और सस्ता रहेगा तो दैट दैट इज दैट स्पेसिफिकेशन इट इज कॉल्ड एज सो कॉस्ट ऑफ मटेरियल लेबर स्पेसिफिकेशन टूल्स एंड प्लांट है ना किसी भी बांध करने के लिए किसी भी आइटम ऑफ वर्क के लिए कुछ ना कुछ तो भी खुदाई करना है तो हमें उसके लिए वो टिकास लगती है शॉवेल जिसको बोलते हैं है और समझो मशीन से करते हैं तो जेसीबी है पोकलेन है तो उसका भी तो खर्चा आता ही है ना सो दे आर फॉर द रेट एनालिसिस मस्ट इंक्लूड द कंसिडरेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ मटेरियल लेबर स्पेसिफिकेशन मस्ट बी टेकन इन थॉट एंड टूल्स एंड प्लांट्स कॉस्ट एक्सेट्रा

रोड वर्क का है पर स्क्र मीटर ऑफ द प्लास्टर है पर मीटर ऑफ़ द कहीं एक ब्रिक मैसेनरी का भी पर स्क्र मीटर रेट निकालते हैं तो उसके लिए ये रेट एनालिसिस ऑल दिस थिंग्स इज वेरी इम्पोर्टेंट नाउ आर द दर्पजेस ऑफ द रेट एनालिसिस व्हाई द रेट एनालिसिस इज इंपॉर्टेंट है ना अभी तक के तो आपके ध्यान में आ गया जस्ट अपन चॉकआउट करते हैं

किसी एस्टिमेट के चार इम्पोर्टेंट पार्ट रहते हैं पहला एब्स्ट्रैक्ट रहता है दूसरा मेजरमेंट रहता है जिसको क्वांटिटी कैलकुलेशन करके बोलते हैं जिसके लिए हमें ड्राइंग और सब लगते हैं तीसरा पार्ट है वो स्पेसिफिकेशंस का पार्ट है हर आइटम ऑफ वर्क के स्पेसिफिकेशंस हम बनाते हैं और चौथा और बहुत इंपॉर्टेंट है इज रेट रेट एनालिसिस और फाइंडिंग द रेट ऑफ ईच आइटम ऑफ वर्क सो द सेकंड पार्ट wherein we find out the quantity of every item and we find out in fourth part in the rate analysis the rates of that rate of that particular item so the rate multiplied by quantity will give you the actual cost of that uh, item okay the cost of that item will be given so therefore the rate analysis helps to determine the actual cost per unit of an item टू डिटरमाइन द क्वांटिटी ऑफ द मटेरियल वो आइटम के लिए कितना मटेरियल लगने वाला है उसकी क्वांटिटी उसके लिए कितना लेबर लगने वाला है मैसन कितना लगने वाला है लेबर कितना है और कोई बार बाइंडर लगता है क्या और कोई क्यूरिंग के लिए एक आधा आदमी लगता है क्या सो दैट नंबर ऑफ लेबर रिक्वायर्ड

कॉन्ट्रैक्टर वो रेट उसमें भरता है कि भाई मैं ये कॉन्क्रीटिंग इस रेट में करूंगा ये खोदाई इस रेट में करूंगा पर ना, रेट करके बोलते है उसको हमने आप यू प्लीज रिवाइज एंड रिकलेक्ट अवर अर्लियर डिस्कशन और यू कैन गो थ्रू द नोट ऑल्सो तो वो आइटम रेट टेंडर में कॉन्ट्रैक्टर ने जो रेट कोट किया है वो भी रेट बराबर है कि नहीं कि उसने कुछ फेक फाक किया है उसने कुछ कहीं ज्यादा रेट डाला है कहीं कम रेट डाला है है ना सो दैट रीजनेबिलिटी वी कैन फाइंड आउट है ना कोई कोई क्या करते हैं टेंडर प्राप्त करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट मिलाने के लिए बहुत कम रेट डाल देते हैं लेकिन समझो जो खाना जो थाली चालीस रुपए कम से कम खर्चा लगता है वो यदि कोई बोलता है कि मैं पांच रुपए में देता हूं तो वो पांच रुपए में खाना क्या देगा कोई भी ना थाली आप समझो बाहर मार्केट में जाते हैं इफ यू गो फॉर द और चालीस या पचास या साठ रुपए की थाली होगी या सौ रुपए की होगी इफ सेज दैट आई विल विल गिव इट इट इन और सो बी सेबल फॉर दैट पर्सन फॉर वी ऑल्सो पांच रुपए में क्या मिलता है आजकल तो इसलिए उसको रीजनेबिलिटी करके कहते हैं तो कॉन्ट्रैक्टर में जो रेट कोट किया है वेदर दे आर रीजनेबल और नॉट

बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ क्वाल क्वालिटी स्पेसिफिकेशन में तो so वो हमें इससे पता चलता है फॉर फाइनलाइजेशन ऑफ द लेबर कॉन्ट्रैक्ट फॉर द वर्क लेबर हमने देखा समर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट आर लेबर कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ लेबर से हम देते हैं तो उससे हमें पता चलता है इम्पॉर्टेंस अगेन्यू दैट डिस्कशन द प्रोसेस ऑफ रेट एनालिसिस गिवज ए क्लियर पिक्चर

तो ये रेट एनालिसिस का एक फायदा है द प्रोसेस इज नेवर कंप्लीट दिस रेट एनालिसिस इज नेवर ने कंप्लीट प्रोसेस बिकॉज ऑफ वेरिंग फैक्टर्स लाइक द मटेरियल एंड लेबर एज ए यूजफुल गाइड टू डिसाइड द रीजनेबिलिटी ऑफ रेट ऑफ एन आइटम ठीक है ये जो रेट एनालिसिस है या किसी भी आइटम का रेट निकालने की जो प्रोसेस है दिस इज नॉट ए कंप्लीट प्रोसेस क्योंकि क्या है कि आपके मटेरियल के रेट रोज चेंज होते रहते हैं लेबर के रेट जो है रोज चेंज रोज है ना हर महीने बोलो या हर पंद्रह दिन में है ना अभी हम रोज देख रहे हैं दट ऑलमोस्ट फॉर एवरी डे द prices of the fuel are varying. आपका पेट्रोल और डीजल के रेट कम ज्यादा हो रहे हैं, अभी बढ़ रहे हैं, कभी कम होते हैं। तो सभी जो है जैसे ट्रांसपोर्टेशन है तो तो ट्रांसपोर्टेशन रेट कम ज़्यादा हो तो हमारा मटेरियल जो है, जो है है भी सीमेंट लोहा है पानी है और एडमिक्सचर है या जो भी मटेरियल है ये तो कहीं से तो भी ट्रांसपोर्ट करके ही लाना पड़ता है ना तो इसलिए मटेरियल के रेट भी वेरी होते जाते हैं आप सबको मालूम है लेबर रेट्स है कभी तो भी पहले हमारे यहाँ हमारे में से बहुत सारे स्टूडेंट्स खेती पे काम ये करते हैं खेती है उनकी खेती पे काम करते सो दे नो दैट हाउ दी लेबर रेट्स आर चेंजिंग ऑन देयर एग्रीकल्चर इन देयर एग्रीकल्चर सेक्टर पहले 100 रुपए रोज में काम लेबर आते थे फिर 200 हुआ फिर 300 हुआ कभी-कभी 400 रुपए दिया तो भी लेबर नहीं मिलते पर डे सो दिस इज ऑल अबाउट द वेरिंग फैक्टर्स सो देयरफॉर

एखादा सी एखा चाह कंपनी सेक्रेटरी वगैरह नहीं करता है हम इंजीनियर करते हैं तो उसके लिए रेट एनालिसिस के लिए हमें क्या मालूम चाहिए हम जैसे मैंने मैं पहले से आपको बोलता हूँ कि एवरी सिविल इंजीनियर आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली बिकॉज वी बीइंग सिविल इंजीनियर इट अप्लाइज टू ऑल द इंजीनियर्स दे मस्ट है हमारी आंखें हर दम खुली रहना चाहिए खुली अभी खुली है वैसे नहीं खुली है ना सब आजू बाजू हमने देखते रहना चाहिए इंफॉर्मेशन गैदर करना चाहिए फॉर ए सक्सेसफुल सिविल इंजीनियर है ना शुरू में मैंने बताया कि जॉब यदि पाना है तो क्या हमें मालूमत रहना चाहिए सो इंजीनियर कैरिंग आउट द प्रोसेस ऑफ रेट एनालिसिस शुड है

इट हैज इंक्लूडेड इंटर्नशिप आपके सिलेबस में उन्होंने इंटर्नशिप डाला लेकिन हम लोग कितनी सीरियसली करते हैं ये ध्यान में रखिए सर्टिफिकेट तो ला लेते हैं सो गेनिंग सर्टिफिकेट इज नॉट इम्पोर्टेंट है सो दे वी मस्ट वी मस्ट हैव इनकल गुड नॉलेज ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्क जैसे कि आप किसी साइट पे जाते हैं तो उसका कंस्ट्रक्शन मेथोडोलॉजी तो आपको अच्छी रहे, मालूम ही रहना चाहिए जो हम सब्जेक्ट में पढ़ते हैं, कोई वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग है कोई वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है कोई सीवेज ट्रीटमेंट है कोई मैसनरी है कोई uh, कॉन्क्रीट है तो उसके मेथडोलॉजी मीन्स मटेरियल मेथड्स वो तो आपको पता रहना ही चाहिए लेकिन उसके साथ में उसको मटेरियल uh, के आज के बाजार भाव क्या है लेबर के आज के रेट क्या है बाद में कुछ नई टेक्नोलॉजी आई है क्या अरे मैं नाक, मैं कॉलेज से नागपुर वापस जाता हूँ तो हर वक्त मैं मैंने हम सब हम लोग जाते हैं तो हमें वो मेट्रो के काम देखने को मिलते हैं तो वहां कुछ नए नए मशीन देखने को मिलते हैं इक्विपमेंट सो वी मस्ट सी ऑल दिस थिंग्स एंड स्लोली है ना ये कोई इमीजिएट प्रोसेस नहीं है कि मैं सर ने आज बोला और आप कल से एकदम एक्सपर्ट हो गए दिस हैबिट यू हैव टू इनकलकेट है ना हमारी बहुत सारी स्टूडेंट है कि जो लड़कियां हमारी व्हाट स्टूडेंट मदर डू उनकी मम्मी क्या करती है कि वो जब से थोड़ा उनको मालूम आना चालू हो जाता है दस बारह साल की होती है ग्यारह तेरह चौदह साल की तो वो धीरे धीरे बोलती है कि बेटा थोड़ा सा मुझे ये आटा बना के दे बोला रोटी के लिए थोड़ा सा देख बोला चाय हो गया क्या कैसी चाय बन गई है या तू बनाता तो पहली बार चाय शी ट्रेंस द गर्ल्स शी ट्रेंस दैट मदर ट्रेंस हर डॉटर दैट दे शुड बी रेडी विद द हाउस होल्ड वर्क घर के जो काम है उसमें लड़कियां तैयार होना चाहिए तो वो ट्रेनिंग से फिर वो बाद में एक्सपर्ट हो जाती है तो हम क्या करते हैं इंजीनियरिंग पढ़ते वक्त खुद को बिल्कुल भी ट्रेनिंग नहीं देते और एकदम बाद में सोचते तो ऐसा नहीं होगा आपको यू हैव टू इंजीनियर शुड गुड नॉलेज ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्क है ना मैं आपको सच में बताता हूँ आप ये हैबिट खुद में डालिए एन इंजीनियर शुड करंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड लेबर अच्छा रेट एनालिसिस है किसी भी सक्सेसफुल इंजीनियर के लिए जरूरी है इंजीनियर शुड हैव करेक्ट नॉलेज ऑफ ऑफ द आउटपुट लेबर्स दैट इज टास्क पर डे एक labor, एक masonry, एक लेबर मैसनरी मैसन है ना जिसको मिस्त्री हम बोलते हैं या बार बाइंडर है है ना अभी आपको इमीजिएट आना चाहिए ऐसी कोई बात नहीं है लेकिन कम से कम ये पॉइंट हमारे दिमाग में रहना चाहिए कि एक दिन में वो कितना काम करता है उसको टास्क वर्क करके बोलते हैं हम थोड़ा सा बाद में डिस्कस करने वाले सो करेक्ट नॉलेज ऑफ द आउटपुट ऑफ लेबर एक लेबर से एक दिन में कितना काम होता है या एक क्यूबिक मीटर काम करने के लिए कितने लेबर लगते हैं कितने मैसन लगते हैं कितने वाइब्रेटर ऑपरेटर लगते हैं है ना ये सब चीजें हमें पता रहना चाहिए धीरे धीरे पता रहे आना चाहिए एक दिन में कोई फॉर्मूला पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर नहीं है यह. बट दिस हैबिट यू हैव रखना। वो लड़की रहे या लड़का रहे किसी ने भी खुद को कम नहीं समझना बॉइज मस्ट इनकल दिस हैबिट है ना आप जैसे घर में पढ़ते हैं दे हमारे लड़कों को थोड़ी मम्मी पढ़ाती है वो उसमें कमजोर है लेकिन लड़कियां कैसी घर में कर काम में तरबेज हो जाती है

तो उसमें डिफरेंट मशीनरी आपको पढ़ाई जा रही होगी कोई जेसीबी है क्रेन है एंड द वेरियस डोजर है सो द नॉलेज ऑफ द मशीनरी इज इंपॉर्टेंट एज वेल एज आउटपुट ऑफ द ऑफ दैट मशीनरी एक दिन में कितना क्यूबिक मीटर एकादी मशीनरी एक्सकवेट करती है या एक एक्सकवेशन जब वो पोकलेन या जैसी भी मट्टी खोदता है तो उसके जो शॉवेल रहता है तो उसमें कितनी क्यूबिक मीटर मट्टी आती है एक आधा रेडीमिक्स कंक्रीट प्लांट है तो उसमें एक वक्त कितना क्यूबिक मीटर कंक्रीट बनता है है ना आप लोग बहुत सारे आरएमसी पे गए लेकिन हैव यू गॉट दैट इंफॉर्मेशन एक आधार ट्रांजिट मिक्सर है आपको नागपुर में हजारों ट्रांजिट मिक्सर दिखते हैं कंक्रीट रोड के काम है मेट्रो रेल है वो घूमते रहता है वो मिक्सर की कैपेसिटी कितनी है एक ट्रांजिट मिक्सर में कितना कंक्रीट आता है भाई वो क्रेन उठाती है कंक्रीट के कंटेनर को तो वो उसमें कितना कंक्रीट रहता है एखादा बैग एक सिंपल मैंने आपको बोला एक सीमेंट बैग है उसका वेट कितना है उसका वॉल्यूम कितना है ठीक है तो ये दिस ऑल दिस थिंग्स हाउ मच ए ट्रक कैरी सीमेंट एखाद ट्रक में कितनी बैग सीमेंट आती है एखाद ट्रक में एक हादा वो आजकल वो सिलोज भी आते हैं सीमेंट ट्रांसपोर्ट करने के लिए बैग से नहीं लाते सीमेंट लूज सीमेंट आता है पाउडर सीमेंट एंड इट इज इन मेट्रिक टन सो हाउ मच दिस नॉलेज आर टू गैद गेट दिस नॉलेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विथ दियर हायर चार्जेस हायर चार्जेस यानी वो मशीनरी के भाड़े के चार्जेस जिसको बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वन ऑफ द कॉम्पोन ऑफ द रेट एनालिसिस इज दट हायर चार्जेस और विच इज कॉल्ड एज द ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस ओके सो दीस थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट Now we will move on to the next that is the factors affecting the rate analysis. two major factors are there two main factors are there one is the major factor and the minor factor rate analysis क्या factors क्या, which are the major things uh, which are which affects or which we must know the major factor there are mainly two factors uh, major factor they are the materials,

एट प्रेजेंट ना आज में क्या रेट है यह हमें इंजीनियर को पता रहना चाहिए दूसरा मटेरियल सेकंड इज द लेबर बिकॉज लेबर विदाउट लेबर द कंस्ट्रक्शन वर्क कैनॉट बी कैरिड आउट लेबर फोर्स इज नेरी बट एट द सेम टाइम इट इज मोस्ट अनसर्टन फैक्टर इट इज डिसाइडेड फ्रॉम द टास्क वर्क विच डिपेंड्स अपॉन यानी एक लेबर से एक दिन में कितना काम निकलेगा वो खोदाई का काम रहे कॉन्क्रीट का रहे लोहा तोड़ने का बांधने का काम रहे या और भी पेंटिंग का काम है वेरीय यू ऑल नो दैट अपटिल नाउ आप सब लोगों ने अपने दिमाग में ये पक्का ठहरा किया होगा या एक आधे बार लिस्ट कीजिए अपने आप कि व्हाट आर द वेरियस आइटम्स ऑफ वर्क इन ए पर्टिकुलर कंस्ट्रक्शन जरूर कीजिए मैं तो आपको बोलता हूँ एक नोटबुक और पेन रखिए एंड फॉर ए बिल्डिंग लिस्ट आउट द वेरियस आइटम्स ऑफ वर्क ऑन योर ओन और फिर बाद में कहीं तो भी बुक में या नोट्स में रेफर कीजिए

जो भी साइट पे काम करता है ऑफिस में काम करता है घर में काम करता है हमारी मदर है हमारी सिस्टर है है है, ना जो जो भी फिजिकल वर्क करती है और करते हैं फिजिकल या मेंटल एनी वर्क दैट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ वर्क क्लाइमेटिक कंडीशन सिचुएशन ऑफ वर्क स्किल ऑफ लेबर वेजेस पेड टू लेबर प्लेस ऑफ द स्टे Of the labor and site organization is super dependent. Right? So, second come first come major factor is the material, and second major factor is labor on which the labor rate analysis depends. Though some minor factors are there, but they are though as compared to major factors, they appear minor, but they are not at all minor, they are also of the same importance. We will see one by one. सम माइनर फैक्टर्स आर अंडर माइनर फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड अंडर स्पेशल सरकमस्टांसेस आर स्पेशल इक्विपमेंट है ना अभी यह कम कम वाला है क्या माइनर फैक्टर है क्या स्पेशल इक्विपमेंट कॉन्क्रीटिंग करना है तो रेडीमिक्स कॉन्क्रीट रेडीमिक्स कॉन्क्रीट प्लांट है ट्रांजिट मिक्सर है या हम साइड पे कॉन्क्रीट करते हैं तो साइड पे मिक्सर है वाइब्रेटर है फिनिशिंग करना है फॉर्म वर्क है सेंटरिंग है सो स्पेशल इक्विपमेंट्स इज वन ऑफ द माइनर फैक्टर प्लेस ऑफ द वर्क वेदर दैट वर्क और कॉन्क्रीटिंग इज बिलो द ग्राउंड खुदाई में है शिप जो हम बेसमेंट बोलते हैं, वहां का कॉन्क्रीट है फर्स्ट फ्लोर का है सेकंड फ्लोर का है थर्ड का है कि हंड्रेड फ्लोर का है सौ फ्लोर का है सो दिस इज रिगार्डिंग द कॉन्क्रीट ओके okay. एखादे बार वो ये जो प्लेस ऑफ वर्क हम ये तो according to the बोलेंगे नागपुरबई वेदर इट इज इन रत्नागिरी और वेदर इट इज इन काश्मीर और वेदर इट इज इन राजस्थान सो दैट इज प्लेस ऑफ वर्क सिचुएशन ऑफ द वर्क प्लेस जो हमारी साइट है वहाँ की सिचुएशन कैसी है वेदर देयर आर सर्टन problematic प्लेस इज देर बहुत बार ऐसा होता है अंडरग्राउंड वर्क है टनल्स है तो सीपेज रहता है और वो भी कोई लेबर प्रॉब्लम है कोई कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है ना बहुत हमारे यहाँ राजकारणी जो लोग है पॉलिटिशियंस है सो दे इंटरफियर एवरीवेयर उनको ऐसा लगता है मैं पॉलिटिशियन हो गया हूं तो मुझे हर जगह इंटरफियर करने का लाइसेंस है तो वो साइड पे आके होशियारी बताते हैं वो रोड के आके करते हैं वो बस कुछ नहीं हुआ तो आपको भी कुछ पॉलिटिक्स के बारे में ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है ना कुछ नहीं हुआ तो बंद कर देते बस बस अरे बाकी कुछ कंस्ट्रक्टिव कुछ नहीं कर सकते हो दे कैनॉट डू कि भाई एक आधा रोड बनाने में सहायता किया कुछ एक आधा डैम बनाने में किया एक बिल्डिंग किया कहीं एक आधा बगीचा बना दिया कहीं सो दैट इज कॉल्ड एज द सिचुएशन ऑफ द वर्क प्लेस नेचर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द वर्क दैट इज वॉल्यूम ऑफ द वर्क मैग्नीट्यूड यानी कितना क्यूबिक मीटर काम है नेचर विच विच टाइप ऑफ द वर्क इज देयर वेदर दैट इज द एक्सकवेशन वर्क कॉन्क्रीट वर्क मैशनरी वर्क री इन्फोर्समेंट

कहीं पोल्यूशन है कहीं नहीं है साइड कंडीशन कंडीशन इज गेटिंग गुड ऑफ़ कंडीशन कॉन्ट्रैक्टर हेल्पिंग द कॉन्ट्रैक्टर टू कंप्लीट द वर्क देन द कॉन्ट्रैक्ट कोई भी अच्छे से खुशी से अच्छा काम करेगा प्रॉफिट ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्टर को फायदा यदि अच्छा मिलता है तो ही विल डू गुड वर्क फास्ट वर्क क्वालिटी वर्क बट दैट डजेंट मीन दैट दैट मैक्सिमम प्रॉफिट ही उसको देना है ना प्रॉफिट शुड बी लिमिटेड बट प्रॉफिट मस्ट बी देर कोई भी आ, दान करने के लिए काम नहीं करता है वो अपना पेट पानी के लिए भी करता है आप लोग भी कॉन्ट्रैक्टर बनेंगे मैं भी बनूंगा ओवर चार्जेस ओवरहेड चार्जेसिड ओनलीन द कॉन्ट्रेक्टर विल बी इन प्रोफिट एंड वर्क कैन बी डन अर्तना काम का पीरियड बढ़ते जाएगा एखाधे कंस्ट्रक्शन का तो ओवरहेड चार्जेस बढ़ते है जैसे एखा बै है उसके उसको छोटा है कोई का छोटी बिल्डिंग है हम पे चौकीदार रखते है ओके okay, वॉचमैन रखते है वो काम यदि एक साल में खत्म हो गया तो एक साल का ही वॉचमैन का पेमेंट देना पड़ेगा यदि वही काम हमारे कारण यानी कॉन्ट्रैक्टर के कारण इफ दैट वर्क इज एक्सटेंडेड टू इयर्स थ्री इयर्स है ना निग्लीजेंस द वर्क टाइमली मटेरियल सप्लाई नहीं है लेबर का सप्लाई नहीं है वगैरह वगैरह सो दिस नॉलेज यू विल गेट ओनली यू विल विजिट द साइट वाई द वर्क इज डिलेड सो दैट इज कॉल्ड एज द ओवर हेड चार्जेस है ना साइट पे आप मिक्सर लाके रखते हैं वाइब्रेटर लाके रखते हैं किसी को तो भी तो रेंट देना ही पड़ता है ना फॉर्म वर्क ला के रखते हैं तो so, वो रेंट का सब दैट विल कम अंडर ओवर हेड चार्जेस मोर ओवर चार्जेस लेसर विल बी द प्रॉफिट

कैन कम्प्लीट इ वर्किंग एफिशिय फॉर एट आवर्स आठ घंटे की इसलिए हमने देखा कि हर वक्त आठ घंटे की ड्यूटी रहती है शिफ्ट रहती है तीन शिफ्ट में काम चलता है तो घंटा होता है ठीक है और जिसमें है, 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 वो में में भी भी किसी इंजीनियर में भी आर्ट है आर्ट है, है ना उसमें काम करने की शक्ति कला बोलेंगे आप सो द टास्क वर्क इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ वर्क फॉर एनी आइटम ऑफ द वर्क

वो काय के ऊपर डिपेंड है वो आगे हम देखते हैं है ना कैन कंप्लीट एवरेज मैन एवरेज मैसन इज कॉल्ड एज द टास्क वर्क टास्क वर्क पर डे इज ऑल्सो नोन एज द लेबर कॉन्स्टेंट ए वेरी इंपॉर्टेंट डिफिनेशन ए लेबर कॉन्स्टेंट इज डिफाइंड एज द टास्क वर्क पर डे पर्टिकुलर आर्टिसन और मैसन और लेबर ओके लेबर कॉन्स्टेंट फिर से एमसीक्यू रही तो ये आपको बहुत पूछा जा सकता है एंड दिसन पार्ट ऑफ द रेट है ना बार बार हम ये लेबर कॉम्पोन जो है इसको अनसर्टन बोल रहे है, है ना बिकॉज दिस इज अगेन डिपेंड्स ऑन द ऑल द कंडीशन जो भी हमने पहले लिस्ट किया था उस चीज का हम डिस्कशन बाद में करने वाले हैं ये यह लिस्ट किया था हमने बहुत सारे माइनर फैक्टर में ये लेबर फैक्टर में किया था नेचर ऑफ वर्क क्लाइमेटिक कंडीशन सिचुएशन ऑफ वर्क स्किल ऑफ वर्क एक्सेट्रा एक्सेट्रा दैट इज विच आर विच विल एफेक्ट द लेबर कॉन्स्टेंट और द टास्क वर्क ऑन विच विल डिस्कस नाउ एट द ऑल दिस सेवन पॉइंट्स

उ मच वर्क दर्सन कैन डू दैट लेबर कैन डू इज कॉल्ड एज दर्क है ना हमको हम वैसे हम हमारे नॉर्मल इसमें ये टास्क इसको दिया है ना हम कोई गैदरिंग का काम करते हैं कोई कॉलेज में एादा आपका प्रोजेक्ट वर्क है दिवन दिस टास्क टू मिस्टर हर्षल

the task work changes from place to place the task work does not mean that the quantity of work should be completed by skilled labor but skilled labor should be assisted by unskilled labor also to complete the work hai na task work uh, kisi mason ka humne bola ki usne ek din mein पॉइंट फाइव क्यूबिक मीटर कंक्रीट करना चाहिए तो इसका मतलब वो मैसन अकेला नहीं करेगा उसके अंदर लेबर भी रहेंगे है ना उसके अंदर कोई उसके असिस्टेंट रहेंगे तो टास्क वर्क डज नॉट मीन दैट द क्वांटिटी ऑफ वर्क शुड बी कंप्लीटेड बाय दैट स्किल्ड लेबर बट इट विल बी विद द हेल्प ऑफ हिज असिस्टेंस द टास्क वर्क कैन बी एक्सप्रस्ड इन द फॉलोइंग टू वेज। टास्क वर्क को एक्सप्रेस करने के लिए द क्वांटिटी ऑफ वर्क दैट कैन बी डन बाय द लेबर पर डे टास्क वर्क एक्सप्रेस करने के लिए क्वांटिटी ऑफ वर्क दैट कैन बी डन बाय द लेबर पर डे एक दिन में एक लेबर कितना काम कर सकता है या लेबर आवर्स रिक्वायर्ड टू द यूनिट वर्क ऑफ द द्वान्टिटी ऑफ वर्क यानी एक क्यूबिक मीटर कॉन्क्रीट करने के लिए एक क्यूबिक मीटर खोदाई करने के लिए कितने लेबर लगते हैं फॉर एग्जाम्पल इफ आई से दैट वन लेबर जस्ट फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग एक लेबर जो है खोदाई कर रहा है तो वह एक दिन में 0.2 मीटर क्यूब की खोदाई करता है ऐसा हम बोलेंगे एक 0.2 मीटर का गड्ढा वो खोदता है एक एक दिन में तो एक क्यूबिक मीटर खोदने के लिए कितने दिन लगेंगे पांच दिन लगेंगे या एक क्यूबिक मीटर खुदाई यानी अभी हम दो इससे ये टास्क वर्क रिप्रेजेंट कर सकते हैं वन लेबर क्यूबिक मीटर ऑफ़ द वर्क इन ए डे इज़ द फर्स्ट मेथड ऑफ दैट वर्क कैन बी रिप्रेजेंटेड दैट द लेबर कंप्लीट पॉइंट टू क्यूबिक मीटर पर डे एंड द सेकंड मेथड इज for 1 cubic meter of the excavation we need hai na 0.2 per day to so, 1 cubic meter ke liye 5 days okay so 1 day 8 hours so 5 day 40 hours 8 45 are you getting me हमने पहले बोला task work में कि per day यानी आठ घंटे के लिए काम करेगा कोई भी लेबर Okay, eight hours labor hours per day means eight hours. So one labor completes 0 0.2 cubic meter of the excavation per day. This is one method of representation of the task work. Or for one cubic meter of the excavation, we need five labor days, and a 0.2 multiplied by 5 will be 1. Or 1 divided by 0 0.2 will be 5. So, 5 labor days means 5 into 8 hours, that is 40 hours. So, labor hours required to complete unit quantity of work. So, 40 labor hours are required to complete the unit or 1 cubic meter of the excavation. So, in these two ways, this task work is represented. The task work per day is calculated by maintaining the record of the quantity of work done.

हमें पता कैसे चलेगा कोई रेडीमेड हमारे पास में यदि इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम वो दस दिन में कितना काम करता है उसके ऊपर से एक दिन में आठ घंटे में कितना काम करता है वह हम निकाल सकेंगे तो उसके लिए हमें रिकॉर्ड ऑफ द क्वांटिटी ऑफ वर्क डन ये मेंटेन करना पड़ेगा है ना ऑटोमेटिक तो कोई पता नहीं चलेगा एक दिन में कितना काम करता है या एक क्यूबिक मीटर के लिए कितने लेबर लगते हैं तो ये एक चीज हो गई या हम लोगों को हेल्प हो मदद हो इसलिए पीडब्ल्यू इरिगेशन डिपार्टमेंट महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण सीपीडब्ल्यू इन्होंने फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंस फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंस दे हैव द टास्क वर्क फॉर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ द लेबर है ना वो वो रीजन के लिए न लिसन मी हाँ तो थोड़स मधे डिसंटिटी ऑफ द वर्क डन है ना, हम हमारे घर में काम कर रहे है कहीं भी है तो वो कितना क्यूबिक मीटर काम करता है कॉन्क्रीट का हो जुड़ाई का हो तो उस पर से हम एक दिन में कितना है वो निकाल सकते हैं और यह हमारा काम इजी होने के लिए पीडब्ल्यू और सीपीडब्ल्यूडी ने या और भी बाकी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है इन्होंने फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंस इन द लास्ट एक्सपीरियंस दे हैव स्टैंडर्डाइज द टास्क वर्क फॉर द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ वर्क ठीक है जैसे अभी ये नेक्स्ट टेबल में आपको दिखता होगा ब्रिक वर्क इन लाइम और सीमेंट मॉर्टर इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ मैसन पर डे एक मैसन या एक मिस्त्री जो जुड़ाई का काम करता है फाउंडेशन में वो है 1.25 पॉइंट ट्वेंटी फाइव क्यूबिक मीटर पर डे सुपर स्ट्रक्चर में वन क्यूबिक मीटर पर डे सीमेंट कॉन्क्रीट वन टू फोर फाइव क्यूबिक मीटर पर डे वाइट वॉशिंग कलर वॉशिंग थ्री कोट्स सेवेंटी स्क्वायर मीटर These are the various examples that they are given. So, in this way, the task work is being found out either practically by maintaining the record or it is nowadays ready-made given by the various departments in their current schedule of rates, CSR. Which we will see later before that let us move to the various factors affecting the task work such as the nature of work and we will uh, discuss okay it's now almost uh, one o'clock we will take a break here next time uh, we will go into the factors affecting that uh, this thing and uh, in detail, what are the various uh, rate analysis etc that we will go on to the discussion